21 जून को यानी कि शुक्रवार को पंचम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के सिंचाई यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। इस अवसर पर सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने फायदे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग जिंदगी जीने का एक सहज रास्ता है। यह शरीर को मन से, मन को हृदय से, हृदय को आत्मा से और आत्मा को अस्तित्व से जोड़ते हुए योग पूरी सृष्टि को ही इकाई मानने पर जोर देता है। योग स्वस्थ, खुशहाल और शांतिपूर्ण तरीके से जीने का प्राचीन ज्ञान है। योगाभ्यास से शरीर, मन, आत्मा के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यह आंतरिक शांति को आत्मीय ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नियमित योग अभ्यास के द्वारा सभी स्वास्थ्य चुनौतियों से पार पाना तथा बेहतर मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रचारित करना विश्व योग दिवस का उद्देश्य है। यह स्वास्थ्य की सुरक्षा और दीर्घकालीन स्वास्थ्य विकास के बीच संबंध जोड़ता है। उन्होंने कहा कि योग क्रियाओं के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ होता है और जीवन संतुलित रहता है। योग से शरीर को बीमारी मुक्त किया जा सकता है। योग मानसिक शांति एवं संयम देता है तथा एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाता है। इस अवसर पर हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम काफी सफल एवं बेहतर रहा। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिला अधिकारी के विजयन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, समाज सेवी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, योग की चर्चा गोरखपुर भूमि पे करने जा रहे हैं। योग दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी, सभी उपस्थित अधिकारीगण और योग में भाग ले रहे सभी शिविर, योग शिविर के भागीदार बंधुओं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग माने जोड़ना, योग मन को जोड़ता है, योग तन को भी जोड़ता है और मन के और तन के विकार योग दूर करने का काम करता है। योग से हमारी आंतरिक शुद्धि होती है और योग से हमारी बाहरी शुद्धि भी होती है। इसलिए योग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। योग हमें निरोग बनाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी प्रतियोगी बंधुओं को, बहनों को मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते बधाई देता हूं और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि योग को प्रतिदिन अपने जीवन में उतारने का काम करें। इससे आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पीछे एक हुजूर सा आता दिखाई दे, संस्थानों एवं विद्यालयों से आए छात्र, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। कहते हैं कि योग शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ता है, लेकिन आज तो योग मानवता को भी जोड़ने का काम कर रहा है। योग स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पूरी दुनिया में एक साथ जो मनाया जा रहा है वो हठ योग है और शुरुआत इसी भूमि से है। यहाँ बैठ जाने से योग शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आप जब अभ्यास कर लेंगे तो आंखें खुला हो या बंद हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नए अभ्यासियों के लिए आंखें ये चरम चश्मों को बंद करना अनिवार्य है और उसके बाद जब अभ्यास होगा तो आपको अलग निरंजन होगा। मतलब बिना आंखों के भी आप देख सकते हैं, तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। तो हमारी हथेलियां तो जीवंत है, इसके रगड़ से आपकी रगड़ से आग पैदा हो जाता है, जिसको कहते हैं कि आभा मंडल आग कर पैदा हो सकता है। तो आप सभी उंगलियों से शुरू करें, दसों उंगलियों को पहले चलाने का अभ्यास करें। इस तरह का दर्द हो, कहीं भी हो, पंजों कैसे चलाएं, दस बार दोनों पैर को मिला दें, पंजों को अपनी और खीसे के सामने की तरफ ले जाए। बहुत ही आसानी से
आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से पांच पांच बार अभ्यास करें। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पैर को मिलाइए। सर व्यायाम न होने के नाते शरीर निरोगी नहीं है, तो निरोगी काया के लिए शरीर को हरकत में रखिए, तभी बरकत हो। और आराम जितना करेंगे, आपको लगता है आराम करने शरीर अच्छा, जितना आप योर खींच सके, कहीं जोर जबरदस्ती झटका आप मत दीजिएगा। बहुत से लोग पहली बार कर रहे होंगे। पद्मासन, भद्रासन, भूतासन, सुप्तासन, मुक्तासन, जितने भी आसन है बैठे के, लगता चीजें जल्दी रुक जाएं। आपके जितना हरकत में रखेंगे शरीर स्वस्थ होगी। 8 घंटा 6 घंटा बैठ नहीं पाएंगे तो ध्यान समाधि कैसे लगेगा? तो घुटना आपके पास, दोनों घुटनों को थोड़ा तेज व्यायाम से, अब दोनों हाथ को सामने करें, ऐसे कंधे की सीट में हाथ को सीधे करें, ऐसे कर्पिष्ठ को ऊपर और नीचे करें, सांस छोड़े नीचे सांस, सबसे महत्वपूर्ण से जोर से बंद करें, ऐसे लगे पसंद को यह तोड़ सकते हैं। जितना जोर से बंद करेंगे ताकत याद करेंगे, और जैसे जैसे कलाइयों में एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें कलाइयों में आपके नहीं जाना है। सांस लेते उठाएं और ध्यान दें, दोनों पैरों में ऐसे छू जाए, कान से छू जाए, फिर पीछे ले। आप भी यहीं से घूमो, जब ये झकड़ जाएगा, अकड़ जाएगा तो धीरे धीरे आपको सर्वाइकल पेन भी शुरू हो जाएगा। कंधा झुका हुआ हो तो आपका फिर पावर भी कमजोर नजर आता है। कंधा झुका हो तो इस विश्वविद्यालय परिसर में भरपूर ऑक्सीजन है, मौसम भी बहुत ही अनुकूल है। आप सभी के योगाभ्यास से ऐसे 5 बार करें, ये क्रिया आपके कंधे में बहुत अभी गलत हो जाए, हड्डियां स्ट्रॉन्ग के लिए लटक जाएगा, इधर लटक जाएगा, विलक्षण से दूर होइए। आपका शरीर सुलभ करता है, जिनको चक्कर आता है आम खोल के करें, सांस भरिए, 5 बार करें, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल आगे। अभी एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर थे, टीवी देखते योग करते रहे, तो करते करते त्रियक भुजा का सर दर्द नहीं हुए, लाख हो गए, छोड़ते हुए बिल्कुल आगे ले जाए और ढीला करके सिर आपका है प्यार से घुमाइए। आपकी गर्दन में कहीं भी खिंचाव ना हो, इससे गर्दन के तनाव रह ही जाते हैं। ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आंख को ऐसे खोलिए, आंख से चश्मे हट जाएंगे, आंख को ऐसे खोलिए, ऐसे पलकों को ऐसे खोलिए और ऊपर नीचे से देखिए, केवल ऊपर नीचे देखना है, दाएं बाएं। आजकल बच्चों को भी बहुत जल्दी ही चश्मे लग जा रहे हैं, हम 50 के हो गए अभी चश्मा नहीं लगा, तो ये योग का व्यायाम। आंख के नीचे काले धब्बे हो जाते हैं, इसका दूर करता है। तो ऐसे चोंच की तरह बनाइए, अवगाल को फुलाइए, प्रेशर दीजिए और ऐसे मसाज कीजिए। कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं चाहता जो सुंदर ना हो। रोज हम ऐसे मसाज कीजिए, जब ऐसे मसाज करेंगे ना तो चेहरे की जो रगड़ से स्किन में जो है, थोड़ा खड़े होकर भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप सभी लोग खड़े। फिर सांस लेते हुए बैंक तरफ ऐसे घुमाया, फिर सांस को 3 बार से अभ्यास शुरू करें। जो सभी नए साधक एस्ट्रोन है, सांस लेते हुए ऐसे घुमाते जाए, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाए। ये कमर के लिए बहुत अच्छी फसल है, सांस होते हुए वापस है, बहुत सावधानियां भी है। केवल ढंग से किताब टीवी देखते सीवी देखते कर लेते हैं, वो ही व्यक्ति सीख लेते हैं, इसका भी ध्यान दीजिए। सांस लीजिए अंदर और ऐसे बैठे जैसे लगे कि उसी बैठे, पूरा दर्द बैठक करेंगे, घुटना खराब हो जाएगा। सारे पहलवान मेरे पास आते हैं, सांस होते हुए वापस आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान लगे आसमान पर छूना है, और मेरे जिन बच्चों की लंबाई सांस होते हुए वापस आ जाए, जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है ये लंबाई भी बढ़ाए, सांस लीजिए, आग नहीं बनेगा, सुंदर रहेगी कमर, जिसके कमर में दम होता है ना वही 6 घंटा बैठा रहेगा, 6 घंटा खा रहे। ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण करें, अगर आप सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए बीच में कई लोगों के नाक के जैसे ही नहीं, और जिद्या जो ऊपर की तरफ से देखे कर्पिष्ठ को छोड़ते हुए ऐसे बीच में आए, सांस का तालमेल जरूर बिठा, सांस को पूरे मन को भस्म किया जा सकता है। शरीर क्या चीज है, सांस लीजिए अंदर, सांस छोड़ते हुए बीच में आए और फिर सांस लेते हुए इधर जाए। ये कितना आसन है, इसको करने से आप देख रहे होंगे, ये आसन
पूरे शरीर का भार एक कर कर दे देंगे ना, दोनों बयान बराबर ताकत नहीं होता। आपका भी पैर ना हिले और पैर इस आसन से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। यहाँ सांस छोड़, फिर सांस छोड़ के जिनके कमर में दर्द हो कृपया न करें, सांस लेकर के फिर सांस लेकर ऊपर आए। जब आप ऐसे झुकते हैं ना तो पूरा देना ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई झटका नहीं, सांस लेते हुए सीधा हो जाए। आपको 5 मिनट बैठना झुकिए जितना झुक सके और ऊपर, तो आप पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। तीन ही फिर बाएं में ले जाए ऊंट की तरह, डिप्रेशन को दूर कर, हताश निराश हो जाते हैं, सुसाइड करने के बारे में बहुत सोचते हैं आजकल हमारे देश में। सिर में रखते हैं, उनका जीवन उनका चलता रहा। तो ये आसन कुंडली एक बार और अभ्यास करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएं, सिर में से रखते हैं। डायबिटीज का रोगी विश्व में सबसे ज्यादा, अगर कोई रोगी डायबिटीज का होगा तो इंडिया में होगा। ओके, हवा की, उसके बाद 2 नंबर पे है पानी की, 3 नंबर का काम भोजन है, थोड़ा सा सूक्ष्म आहार होना चाहिए। उनको कमर दर्द है, आप कमर दर्द कब दूर होगा जब हम समझे 40 सेवा भी करें, सेवा भी सबसे बड़ा धर्म है। आज योग से संस्कार भी, दोनों पैर पीछे मिलाइए, कई लोगों के पैर पीछे फैले हुए हैं, दोनों पैर पीछे मिलाइए, पैर की एड़ी और पैर का अंगूठा मिलाइए पीछे, सांस लीजिए, स्थान है शास्त्रार्थ चक्र है। जब आप ऐसे खींचेंगे ना, उठ के तो देखिए सांप का शरीर कितना लचीला होता है और कितनी लंबी आयु जीता है, जितना लचीला रहेंगे उतने स्मार्ट रहेंगे। 84 में से छांट के आपको बताया जा रहा है। अब अगला है, अभी तक ये आसन ना नाभि तक उठाए, सलभ आसन करें, हाथ को पैर ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं, पैर को भी उठाए सांस ले, नाभि के नीचे का उठ जाए, सांस लीजिए और उठाइए सीधा बिल्कुल भाई, कई लोग बाहर नहीं चला जा रहा है। देखिए चित्त के बल आसन करने जा रहे हैं आप लोग, पहले मर्रा सीखिए, जीना अपने आप आ जाए, रोज मर्रा की जरूरतों का गंगा मोर और बाएं पैर पर आप ध्यान ले जाए, बाया हाथ की उंगलियां कलाई चोरी, यहां से बाबा गोरखनाथ के मंदिर में, मंदिर का गेट का ध्यान कीजिए, मंदिर के तालाब का ध्यान कीजिए, लंबे घुंघराले बाल कंधे तक उनके लटक रहे हैं, मस्त से आप सभी के दोनों लोहे को आग में डाल दीजिए, चमकने लगता है, निकाल दीजिए फिर काला पड़ जाता है। पेट को, पेट में क्या रहता है, गैस भर जाता है, फैट भर जाता है, मन भर जाता है, तभी आपका मन ठीक नहीं रहता। दवाइयों थोड़ा लुटाइए भी, जैसे कुल्फी वाले घड़ा में कुल्फी रख के हिलाते रहती है सिर तक और समान वाली निकल से लेकर नाभि तक चलती है, जो भी जो हो और लास्ट करने हैं आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना रखते हैं। अंतिम 2 आसन, तो अगर धीरे धीरे छोटे छोटे नीचे ले जाए, ये आसन बहुत ही महान, कोई देवता भी नहीं है, अपने नजदीकी रिश्तेदार अपने करदार को नहीं देना है अजीत के लिए, तो आज पहले सांस ले अंदर फिर छोड़ दो, 1 मिनट में 35-40 बार सांस लेता है, जल्दी चल देता है। इस भागम भाग युग में कहां समय, 99% समझ जाइए कि आप ले ही नहीं पाते सांस, सांस को छोड़िए, क्या करेंगे इसको, इतना कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके सांस छोड़ भी सक्रिय रहेंगे। आंख बंद करके करिएगा, आंख खोल के प्राणायाम थोड़े दिन होता है, प्राणायाम को आंखें बंद करके कर लीजिए, आप
थोड़ी देर कीजिए, आप देखना ये अंग्रेजी के एक रंग की तरह घूमता है और जब ये एकाग्र हो जाता है कंट्रोल किया जा सकता है और कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से ही हटियो है माने सुन है माने चंद हट हमारे को जबरदस्ती है दम की तरह हमारे की तरह पेट में जाते हैं अगर बगल वाले सुन को काटता है जहर जहर को मारता है ऐसे ही खराटा ही खराटे को भगा देता है। रोज खराटे की आदत बनाइए। अब गले को काट करते भूख हमारी इंडिकेटर यहीं पे यही कहता है जब इंडिकेटर को काटा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, जैसा कि आपको विदित है माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से 2014 से प्रारंभ हुआ है और दिसंबर 2014 में जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली उसने ये रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें इंडिया का इनिशिएटिव था और ये आज पांचवा वर्ष है जिसमें हमने आज इसको हम कर रहे हैं और मंडल में गोरखपुर मंडल में चारों जनपदों के मुख्यालय पर और तहसील हेडक्वार्टर पर सब जगह ये हमें सब खबर प्राप्त हुई है कि अच्छे से मनाया जा रहा है या मनाया गया है और उसी क्रम में गोरखपुर मंडल में गोरखपुर ज़िले में आज सुबह हमारे यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये हुआ है जिसमें प्रभारी मंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया था। सो आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि योगा सिर्फ एक दिन करने की चीज़ नहीं है, इसको अपने जीवन का और अपनी जीवन शैली का और अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की ज़रूरत है और जब आप इसको अभिन्न अंग बना लेंगे भले ही वो 30-35 मिनट का ही क्यों ना हो तब आपको इसके लाभ के बारे में पता चलेगा और सिर्फ लाभ ऐसे टेंजिबल नहीं है कि सिर्फ आप स्वास्थ्य में या आपका RBC इम्प्रूव हो जाएगा, इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी, बट इसके आध्यात्मिक रूप से भी बहुत इसके लाभ हैं और इसलिए आपके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको अपने जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर जनपद के सभी योग प्रेमी यहाँ एकत्र आए और सच में एक घंटे जो योग का कार्यक्रम किया गया ये अभिनव कार्यक्रम था। योग अपने में एक विशेष है, योग मन को भी जोड़ता है, योग तन को भी जोड़ता है और गोरखपुर में तो योग का विशेष महत्व और एक संयोगी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ हैं, ये योग का ही प्रभाव है। ठीक तरह से हमारे यहाँ प्रार्थना की गई है, पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम, 100 साल तक जिए, 100 साल तक बोले, 100 साल तक देखें, योग से ही ये संभव है। योग ही श्रेष्ठ बनाता है, योग ही निरोग बनाता है, योग शांत जीवन के लिए बहुत लाभदायक है।